शिवराज जी, एक बात की आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो आपने लीक करवा दिया। ये सनसनीखेज आरोप लगाया है एमपी कांग्रेस के फायर ब्रांड युवा नेता जीतू पटवारी ने। शिवराज जी, एक बात की आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो आपने लीक करवा दिया, जिस वीडियो में नशे की खेती के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात हो रही हो, 10,000 करोड़ रुपए तक के रिश्वत की बात हो रही हो, उस वीडियो को आपने सार्वजनिक जो करवाया है, आपने प्रदेश में इतने दिन आप पर जो कृपा की इस प्रदेश के मतदाताओं ने, आप मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा काम आपने ये किया, मैं धन्यवाद देता हूँ आप, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक्सपोज किया आपने इन भ्रष्टाचारियों पर। इसके साथ साथ आप पीछे से फिर अपने आप को क्यों नहीं देखते कि आपने इतना कर्ज लिया, इसका किया क्या? ये करप्ट प्रदेश सबसे बड़ा आपने जो बनाया, इसके पीछे की पश्चाताप आप उस भगवान से करते हैं कि नहीं करते हैं, जहाँ प्रार्थना करने जा रहे हैं भोलेनाथ से की कि नहीं कि आपने महाकाल में जो करप्शन किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ, ये कहा या नहीं कहा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है और अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने नतीजों से पहले ऐसा बड़ा बयान दे दिया कि बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कथित भ्रष्टाचार वाले वायरल वीडियो को लेकर जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही ये वीडियो लीक कराया। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने रविवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज, आप मंदिर में भगवान की शरण में प्रार्थना करते फिर रहे हैं कि मेरी सरकार फिर से बचा लो, ऐसे में भगवान भी आप पर विचार कर रहे होंगे कि आपको 3 बार आशीर्वाद दिया और 4थी बार सरकार को लूटा, फिर प्रदेश कैसे बना। पटवारी ने शिवराज का नाम लेकर कहा कि जब आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे तब आपके माफिया पटवारी की हत्या कर रहे थे। जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को आपने कर्ज में डुबो दिया। वीडियो के बारे में ये भी कहा कि जिसमें करोड़ों रुपए के नशे की खेती की बात हो रही हो, आपने उन भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज कर दिया। वहीं मीडिया के सवालों पर पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने कहा केंद्र के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, 20 साल के मुख्यमंत्री पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। दूसरे नंबर के नेता कौन था मुख्यमंत्री बनने लायक? नरेंद्र तोमर थे। नरेंद्र तोमर जी मुख्यमंत्री नहीं बने, इसकी सबसे ज्यादा चेष्टा किसकी थी? कौन हो सकता है? ये कल्पनाओं की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल प्रस्तावित बातें। कौन कर सकता है? दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पर किया शुद्ध काम, धर्म का काम। मैं साधुवाद दिया, मैंने उसको क्रिटिसिज्म नहीं किया। जो दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार थे उन्होंने वो वीडियो लीक नहीं किया तो किसने किया, और चुनाव में ही क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, ये समय क्यों, ये समय का चयन क्यों हुआ? इसलिए मैंने ये कहा कि जो नरेंद्र तोमर जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे वो लोग कौन कौन है पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, उन्होंने ये किया पर सही काम किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पटवारी ने ये भी कहा कि मैं तो शिवराज जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार को सामने लाया। पटवारी ने कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को 138 सीट दी है। वहीं पटवारी से जब ऑपरेशन लोटस को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। शिवराज जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे, जितनी जल्दी हो, 3 तारीख का रिजल्ट स्पष्ट है, सारे सर्वे अपनी जगह पर, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे और जो आईबी ने, आपकी इंटेलिजेंस ने आपको जो सर्वे दिया 138 सीट का, वो आपको पता है, आपने उसको झुठला दिया है।
कि इसको मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ आप स्वीकार कर ले हार और ये कर्ज लेना प्रदेश का बंद कर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जीतू पटवारी ने तंज कसा है और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की कथित भ्रष्टाचार वाले वीडियो का जिक्र किया है, उससे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी को कितना बैकफायर करता है ये देखना दिलचस्प होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी के इस आरोप का क्या जवाब देते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।